भोजपुरी इंडस्ट्री में और पूर्वांचल में पवन की क्या जगह है, इस बात से तो आप सब वाकिफ होंगे। उनके फिल्मों के दर्शक कितने आदी हो चुके हैं, साथ ही उनकी आवाज के कारण ही तो भोजपुरी का नाम बाहर तक फेमस हुआ है। अब इतने फैन फॉलोइंग है तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने पसंदीदा स्टार्स को फॉलो तो करेंगे ही। साथ ही बता दें कि वैसे तो पवन के नाम से ना जाने कितने फेसबुक अकाउंट बने होंगे, लेकिन एक अकाउंट है जो वाकई पवन के फैंस के लिए पेज के रूप में बनाया गया है, जिसमें पवन से जुड़ी कुछ जानकारी और एक फोन नंबर भी दिया गया है। बस जैसे ही दर्शकों ने पवन के पेज पर वो नंबर देखा, सभी पवन से बात करने की जद्दोजहद करने लगे और उस नंबर पर फोन करने लगे। परिणाम ये निकला कि वो नंबर उनके पीआर का है, जो किसी भी फोन से नहीं लगता। वैसे आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि इसमें पवन की कोई गलती नहीं है, वो शूटिंग में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास किसी से फोन पर बात करने का समय ही नहीं बचता। पवन बहुत कम ही फोन यूज करते हैं। खैर भाई, पवन आप लोगों के लिए तो लाइव आ ही जाते हैं और खुद से जुड़ी जानकारी भी आप लोगों के लिए पोस्ट कर ही देते हैं। ये पवन की दरिया दिली ही तो है कि इतना समय निकाल कर आप लोगों के लिए लाइव आ जाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।